हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम पोटैटो स्टफ ब्रेड टोस्ट बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने आधा कप मैदा लिया है, 1/4 कप चावल का आटा लिया है, हींग, नमक, हल्दी पाउडर और भुना हुआ जीरा। तो एक बड़े बर्तन में मैदा डालेंगे हम, चावल का आटा डालेंगे, नमक, हल्दी, हींग पाउडर और भुना जीरा डालेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे थोड़ा सा और इसमें हम पानी डाल के इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतला ना हो बैटर। तो बैटर हमारा बनके तैयार है, इसको साइड में रख देंगे। बाकी की सामग्री हम देख लेंगे। ये उबले हुए आलू को हमने मैश करके लिया है, ये धनिया, पुदीने, हरी मिर्च, नमक और अदरक डाल के हमने इसका चटनी तैयार किया है। मसाले में हमने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कूटी हुई काली मिर्च, इसकी जगह आप लाल मिर्च यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक लिया हमने स्वादानुसार और ये थोड़ा सा चिली सॉस है। तो सारी चीजों को हम एक बड़े बर्तन में मिक्स करेंगे। तो एक बड़े बाउल में ये हमने मैश किया हुआ पोटैटो डाल लिया है, इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा सा ये हरी चटनी डालेंगे 1 चम्मच और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने ये थोड़ा सा प्याज और धनिया पत्ता काट के मिक्स करके रखा है, उसको भी डाल देंगे। पोटैटो का मिक्सचर अब तैयार है। ये हमने ब्रेड लिया है, इसके ऊपर पोटैटो मिक्सचर को हम अच्छे से फैला लेंगे। सारे ब्रेड के ऊपर इसी तरह से हम पोटैटो मिक्सचर को फैला लेंगे। सारे आलू को हमने ब्रेड के ऊपर इस तरह से फैला लिया है। तो चलिए अब टोस्ट बना लेते हैं हम। तो टोस्ट को फ्राई करने के लिए ये हमने ग्रिडल गरम होने के लिए रखा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, मिक्सचर को हम इस तरह से ब्रेड के ऊपर लगाएंगे जिस साइड में हमने पोटैटो को स्टफ किया है। मिक्सचर को हमको इस तरह से करना है कि सारे पोटैटो को ये कवर कर दे। तो इस तरह से हम फैला लेंगे, तवे पे डाल देंगे और इस टोस्ट को हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे जिससे कि वो अच्छे से क्रिस्पी हो। जब एक तरफ से ये सिक जाएगा तो हम दूसरी साइड में इसको पलट लेंगे। और इसको अब हम दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी होने तक सेकेंगे, पलट लेंगे इसको हम। इसमें बहुत ही थोड़ा सा हमने तेल डाला है और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास उबले हुए आलू हों तो बहुत ही झटपट ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। इसको आप सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ स्नैक्स की तरह कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी होता है।
तो इस तरह से आप एक बार बना के टोस्ट को जरूर ट्राई करें। जब ये नीचे की तरफ से एकदम अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे। टोस्ट अब हमारा नीचे की तरफ से भी अच्छा सिक गया है तो हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे टोस्ट को हम टोस्ट कर लेंगे। टोस्ट को हम इस तरह से बीच में से काट लेंगे। टोस्ट हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। इसको आप गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ एंजॉय करें, या तो आप चाहें तो इसके ऊपर से थोड़ा सा ये एक उबला हुआ अंडा लेकर इस तरह से डाल लें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और थोड़ा सा इसके ऊपर से ये जो हमने धनिया और प्याज को काटा था उसको डाल लें, थोड़ी सी हरी चटनी, और इस तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।